सर की शायरी है ना सर, है ना सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रनिंद्र सेवन वीलॉग्स। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और आज मैम का थोड़ा समय, क्योंकि थके हुए हैं तो बिंदी बन रही है। अभी मोमोज खाने हैं। वेज चॉपसी, जो कि मतलब इनकी सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट इनकी वेज चॉपसी है, वो इनको एक्चुअली ऑर्डर करनी थी। तो लेकिन इनकी पहले डिमांड आई कि अरुण मुझे मोमोज खिलाने लेके चलो, तो अब मैं इनको मोमोज खिलाने लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हम वेज चॉपसी ऑर्डर करेंगे। उसके बाद अभी मकैंस के भी इन्होंने रख रखे हैं, तो आज मतलब चटपटा खाने का मन है मैम को बहुत ज्यादा। अरे क्यों बदनाम कर रहा हूँ मैं, तो क्या बोलते हैं उसको, पौष्टिक वो लोगों आहार। ने सबने वीडियोस देख मैं पौष्टिक आहार खाने वाला लड़का हूँ, तुम मोमोज खाने वाली लड़की हो। तो चलो यार, आज मतलब मन भी है, बारिश वारिश हो रखी है, तो चलो बाहर से खा के आते हैं। एज यूजल मैम भटकती हुई नजफगढ़ की सब्जी मंडी में परफेक्शन ढूंढती हुई, और ये बारिश की वजह से पूरा कच 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 और चेहरे पे इरिटेशन साफ नजर आती हुई। नींबू नहीं मिले यार। अरे पूरी मंडी में नींबू नहीं मिले? नहीं है ना, वो गंदे हैं पूरे दाग दाग। अच्छा तो वो दिखने में घोरे। हाँ वो दिखने में थोड़े नहीं, नहीं देखो रस नहीं है, वो रस वाले दिखाई दे रहे हैं मेरे को वहां पे। लग नहीं रहा अभी भी चेहरा देख के कि इनको सेटिस्फेक्शन मिली है। नींबू में रस नहीं मिला इन्हें, इतनी बड़ी मंडी में, इतनी बड़ी मंडी में। नजफगढ़ की मंडी जानी जाती है अपने आप में। तो हम पता है ब्रोकली 300 रुपए किलो कर दिया इन्होंने, और बीन्स 100 रुपीज के जी। मतलब सोचना किसान से ये 100 रुपए किलो लाते होंगे बीन्स, और ब्रोकली 300 रुपए किलो। कैमरा मैन अरुणेंद्र के साथ उपासना बोहरा, हमारे आज के संवाददाता। बिल्कुल मतलब यार, वाह बस बस शाबाश। हाँ करियाने की दुकान है उधर गई पीछे, क्या लेना है? चने की दाल। ये देखो ये इस वाले बैग में सब्जी ली गई है, ठीक है, वक्त बदल गया है, ठीक है, अब उन थैलियों में सब्जी नहीं, ये जिस वो जो लैपटॉप का बैग है उसमें सब्जी आती है। ये शाबा, अरे वाह बस बस, मैंने पनीर भी ले लिया। आए हाय भाई, देखो खाने पीने का तो पूरा ध्यान रखती है, ठीक है, वो अलग बात है मेरी सेहत बने चाहे ना बने। ये तब करके डाउन हो गया, दादाजी की तबीयत खराब थी थोड़ी, परेशान थे उस चीज को करके, इसलिए ये इतना डाउन हो गया। मतलब अरुण के पता कैसे, अरुण का नहीं मेरा भी होता, मेरे को स्ट्रेस वगैरह कुछ होता है ना तो मैं बहुत ज्यादा फूल जाती हूँ, और इनका क्या होता है कि इनको स्ट्रेस होता है ये बिल्कुल डेड 3-4 दिन में, और ये 3-4 दिन में इतने सूख गए। और करियाने की दुकान का है, कुछ हमारी कटिंग का भी नतीजा है। करियाने की दुकान ना कि करियाने की दुकान लगा रखा है। करियाने की दुकान ये आ गई, मैं रुक जा लेने जा एम दे राइट में ये दी। अच्छा, करियाने की दुकान मिर्च भी लेनी है, आमचूर भी लेना हो जाएगा क्यों स्पॉन्जी बस। तो वहां पे थे तो सही, वो भी खाने वाले नहीं थे ना, उसके पास गुलाब जामुन थे। अच्छा कोई खुश नहीं कर सकता भाई, ठीक है पहले बता रहा हूँ। एट टाइम्स उपासना इज लाइक ए अरुण, ये ड्रेस कैसी है मैंने लिया, मैं अगर मतलब मेरे पास वैसे तो सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि अच्छी लग रही है, ठीक है, तो अगर बाय चांस मेरा उस टाइम पे मूड थोड़ा सा ठीक नहीं और मैंने कहा था ठीक लग रही है, अरुण तुम्हें क्या पता, तुम्हारी कोई क्लास है, तुम्हारा कोई ड्रेसिंग सेंस है? मतलब क्या कौन सा वाला? अरे भैया वो तो यार अब मेरा ऑफिस रूटीन ऐसा है, वर्क फ्रॉम होम उठाया ना तुमने, उठाया कुछ? इसने क्या करा, इस बैग में से सारा सामान निकाल के हैं हाथ में पकड़ के खड़े हो गए, और जैसे मैंने कैमरा रोटेट किया ना सारा सामान मेरे से उठवा लिया ना। दैट्स हाउ गर्ल्स आर, रियली या दैट्स हाउ गर्ल्स आर बॉयज एक लाइफ। एंड एज यूजुअल इन्होंने फ्रिज खुला छोड़ दिया, ठीक है, ये दिन में आज तीसरी बार ऐसा है कि इन्होंने फ्रिज खुला छोड़ा और मैं इसे बंद कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर रोज कुछ कमेंट्स पिक किए जाएंगे व्लॉग पे से, ठीक है, जो आप लोगों ने किया उनके जवाब दिए जाएंगे। तो आज मतलब जो कल का व्लॉग अपलोड हुआ है उस पर किसी ने कमेंट किया है, आप दोनों इतने खुश कैसे रह लेते हो? बताया ना मैंने, एक ही राज है उसका, मूल मंत्र गांठ मार लो,
एक सफल रिश्ते के लिए क्या सुबह के बाद दोपहर तक भूल जाओ। सुबह मतलब जब लड़ाई होती है ना, मैं कह रही हूँ एक दूसरे को जूतियां मार लो, ठीक है, डंडे थप्पड़ जो दिल करे ना, चप्पल उठा उठा के मारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो बात है ना, मैं सुबह से मन खत्म हो जा रही थी। उससे बढ़िया मूल मंत्र दे रहा हूँ, ना ना ना, ये सबसे बढ़िया है, वाइफ / गर्लफ्रेंड / पार्टनर इज ऑलवेज राइट। और ये अभी क्या हो रहा है, सारी लाइट्स बंद कर दी हैं क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से इनका शूट करना है, और बेचारों को मजबूरी में आज मेरे कहने पे ऐसे बैठना पड़ रहा है बिहाइंड द सीन सर की रील्स के, क्योंकि बहुत लोगों की ये आ रही थी कि सर शादी के बाद शायरी छोड़ दी आपने, तो आज सर को फांसी का फंदा मिला उपासना मैम की तरफ से कि जब तक जैसे हो रहा है वैसे शायरी अगर शूट नहीं हुई तो सर क्या होगा? कुछ नहीं, हम सो जाएंगे। हम सो जाएंगे बेबी। एंड बिहाइंड द सीन लाइट बंद करवा के एसी चला के फर्श पे लिटा रखा है, और म्यूजिक साउंड सिलेक्ट कर रही हूँ न्यू, और उसके अकॉर्डिंग इनका शूट। सर कैसा फील कर रहे हो आप? मतलब सर, मैंने कहा सर ना इतने टाइम से ब्लॉग में बस एक चीज बोल रहे हैं, वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो क्यों ना उस चीज को लग जाए ऐसे। एंड ये होता है बाइंड अप। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? यार इन्होंने बोला कि अरुण जैसे ना कुछ शूट्स वगैरह ना मैं बोलूंगी वैसे करने हैं। कितने दिन? 15 दिन का इन्होंने कहा है। एक्चुअली यार मैं एक्टिव नहीं था काफी टाइम से, तो इनको ना काफी बुरा सा लग रहा था कि आपने यार व्लॉग्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, शायरी पे नहीं दे रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा ठीक है यार जैसे आप कहते हो थोड़े दिन वैसे शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ क्योंकि आज मैम क्लिनिक भी नहीं गई, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी दिल्ली में, तो घर पे थे, फिर शाम को मैं भी थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ गया एंड शूट्स वगैरह हमने स्टार्ट कर दिए। तो अब आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग मिलेंगी, कुछ कुछ रील्स, कुछ कुछ सर की शायरी है ना सर कुछ कुछ सर की शायरी और सर की कुकिंग थी आज, कल करेंगे कुकिंग का ना शो। आपने क्या नहीं यार, बाहर खिला के लाते ना, आपने कहा था बाहर खिला के लाना है, तो कल फिर हम कुकिंग वाले भी हम शूट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह उठ गए हम लोग 9 बजे। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मम्मी होती थी ना, तो हम लोग आराम से 10:30-11 बजे तक उठते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है मम्मी पापा है नहीं, गाँव गए हुए हैं, तो हम आराम से 10:30 बजे उठते थे, ठीक है, फ्रूट कटे हुए टेबल पे मिलते थे, नहा के आओ फटाफट नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। अब नाश्ता बनाना पड़ रहा है इधर देखो, ठीक है, जल्दी उठ के नाश्ता बनाना पड़ रहा है। अभी तो मैंने आटा तो गूंद भी दिया, आटा इन्होंने गूंद लिया, ये बीन्स। अच्छा इनको ना एक चीज पता है, जो चीज अगर मुझे अच्छी नहीं लगेगी ना, वो जबरदस्ती वो चीज ना घुसानी ही घुसानी है, और जबकि मैंने कभी जिद नहीं किया। अगर इन्हें कुछ पसंद नहीं है ना कि भाई ये खा लो, कभी आपके ब्रेकफास्ट के लिए है, ये मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा वो डाइट शुरू, डाइट तो नहीं है, बट 3-4 दिन हमने सोचा है कि थोड़ा सा यार डाइट वगैरह फॉलो करूं, रूटीन वगैरह फॉलो करूं। मेरे पनीर के पराठे, तो मेरा एज यूजुअल फेवरेट पनीर, कल ये पनीर लेके आए। अभी कह रहे थे कि ये तो मुझे जबरदस्ती खिलाते हो यार, जबरदस्ती ये बात तो देखो माननी पड़ेगी, बीन्स खिला रखे हैं जबरदस्ती, पर अच्छी होती है। डॉक्टर उपासना बोरा भी लाइक, अरुण देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा अब सोचो देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में कितना अच्छा लगेगा। हाँ तो मतलब जो चीज देखने में अच्छी लगेगी वही तो एक सेटिस्फेक्शन होगा ना, इसमें गलत क्या बोला मैंने? मैंने एक बार बोला कि गलत बोला है। हाँ तो मतलब वो सही है ना। अब ये मैं बताती हूँ इसका क्या बना रही हूँ, बड़ी सही ओट्स खिचड़ी बना रही हूँ मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैंने अभी फिर से 3 दिन डिटॉक्सिफाई वो करना है। तो ये बना रही है उपासना वाला ब्रेकफास्ट, और आपका लंच बना के जा रही हूँ। लंच मत बनाओ, लंच आपको पता है मैं दाल बना के खा रही हूँ ना। हाँ
कई दिन हो गए थे मैगी खाए यार, मेरा आज मैगी खाने का मन था। मैंने बना लिया, बात करता। तो ये पनीर वाला पराठा बनता हुआ, ये भर भर के इन्होंने पनीर डाला मस्त एक नंबर, और ऑफिस जाने की तैयारी होते। चलो ठीक है। सो एज यूजुअल हमारा डेली रूटीन स्टार्ट होता हुआ घर के काम थोड़ा करने सा का। अलग कितने 11 बजे हैं? तो 11 बज चुके हैं एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब ये क्लिनिक के लिए, मैं ऑफिस के लिए। लंच इन्होंने बना दिया जो कि डिनर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब आऊंगा नहीं यार, अब मैं फिर वही बैठ के काम वाम करूंगा। चलो आप जाओ आराम से, ठीक है, टेक केयर, ओके एंड बाय बाय बाय। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, एंड कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।